क्रोकोडाइल मंकी और मैजिकल लेक की कहानी। एक घने जंगल में एक मैजिकल तालाब था। उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। वो हर दिन एक शिकार करता, पर वो अपने शिकार को खाता नहीं बल्कि उन्हें फेंक देता। तालाब की मछलियां उसके ऐसे बर्ताव से अचंभित थी। तब एक मछली कहती है, अरे इस मगरमच्छ को क्या हुआ है? शिकार करने के बाद भी वो खाता क्यों नहीं है? अरे तो अच्छा ही है ना, कम से कम हमें तो खाना भरपेट मिल रहा है ना, हमारे तो मजे चल रहे हैं उसके कारण। मछलियां मगरमच्छ के कारण बहुत खुश थी। तभी एक दिन तालाब के पास के पेड़ पर रहने वाला एक बंदर आता है। बंदर को देखकर मगरमच्छ बहुत ही खुश हो जाता है और वो सोचता है, अरे वाह, कब से मैं ऐसे किसी बंदर की तलाश कर रहा था, मुझे मेरा शिकार मिल गया, अब मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मगरमच्छ ऐसा सोचकर बंदर से दोस्ती करने जाता है, पर तब बंदर कहता है, अरे नहीं बाबा, मुझे नहीं करनी तुमसे दोस्ती। मुझे पता है कि आप सबको बंदर के दिल खाने पसंद हैं। मुझसे मीठी मीठी बातें करके मेरे साथ भी तुम वैसा ही करोगे। बंदर, ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं ऐसा मगरमच्छ नहीं हूँ, मेरा भरोसा करो। बंदर मगरमच्छ की बातों में नहीं आता। मगरमच्छ रोज उस बंदर को देखता और उससे बात करने की कोशिश करता रहता। एक बार फिर से मगरमच्छ बंदर से कहता है, अरे बंदर, तुम्हें पता है कि ये एक जादुई तालाब है, चलो मैं इस तालाब की तुम्हें सैर कराता हूँ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। लगता है तुम्हारी कोई चालाकी है, मुझे बहला फुसला कर मुझे मारना चाहते हो। तुम मेरी पीठ पर बैठोगे फिर मैं तुम्हें मार कैसे सकता हूँ, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। मगरमच्छ की ये बात सुनते ही बंदर थोड़ा सा सोचता है और वो उसकी बात मानकर उसकी पीठ पर बैठ जाता है। मगरमच्छ उसे जादुई तालाब की सैर कराता है। बंदर को बहुत ही मजा आता है, वो बहुत खुश हो जाता है। इस तरह से वो रोज जादुई तालाब की सैर करने लगता है। उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। पर कुछ दिनों बाद अचानक से मगरमच्छ तालाब में दिखाई नहीं देता। तब बंदर सोचता है, अरे मेरा दोस्त मगरमच्छ कहाँ चला गया, मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ पर वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। बंदर तालाब के चारों तरफ मगरमच्छ को खोजता है पर उसे वो दिखाई ही नहीं देता, जिस वजह से वो बहुत उदास हो जाता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तब जादुई तालाब बोलने लगता है, अरे ओ बंदर, उस मगरमच्छ के लिए उदास होने की जरूरत नहीं है, वो तो आज तुम्हारी बलि देने की पूजा कर रहा है, पर आज तुम उस पर बिल्कुल भरोसा मत करना, समझे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, वो मेरा दोस्त है, और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? अरे बंदर, उसे जादुई शक्तियां पानी है, उसने आज तक 11 बंदरों की बलि चढ़ा दी है, अब तुम आखिरी बंदर हो, तुम्हारी बलि देते ही वो जादुई मगरमच्छ बन जाएगा, और हाँ, मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो खुद जाकर देख लो। तालाब की बात सुनते ही बंदर तालाब की मछलियों को सच क्या है ढूंढने के लिए कहता है। तब मछली तालाब के अंदर जाकर देखती है तो सच में मगरमच्छ वहाँ पूजा कर रहा था। वो तुरंत बंदर के पास आती है और कहती है, अरे बंदर, सच में वो मगरमच्छ ना पूजा कर रहा है, तुम जरा संभल कर रहना उस मगरमच्छ से। आने दो से मेरे पास, आज उसका हमेशा हमेशा के लिए काम ही तमाम कर दूंगा मैं, दोस्त बनाकर मुझे धोखा देता है। बंदर ऐसा कहकर मगरमच्छ को बंदी बनाने का काम करने लगता है। बंदर तालाब के पास एक गड्ढा बनाता है जहाँ कांटे रख देता है और वहाँ पर जाल बिछाता है और उसे झाड़ी में छुपा देता है। थोड़ी ही देर में वहाँ मगरमच्छ आता है और उसे तालाब की सैर करने के लिए पूछता है। तब बंदर कहता है, अरे मगरमच्छ, आज मेरे पैरों में ना बहुत चोट लगी है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, तुम ही मेरे पास आओ और मुझे उठा कर ले जाओ। बंदर की यह बात सुनकर मगरमच्छ तुरंत ही बंदर के पास जाने लगता है और जैसे ही वो झाड़ी के पास जाता है, मगरमच्छ कांटों से भरे गड्ढे में गिर जाता है। वहाँ गिरते ही उसे कांटे चुभने लगते हैं। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, अरे बंदर भैया, मुझे बचाओ, बचा लो, तुम तो मेरे दोस्त हो ना, मेरे साथ ऐसा मत करो।
मुझे सब पता है मगरमच्छ, बस अब तुम्हारा मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। जाओ अब बैठो पूजा करते हुए। इस तरह से बंदर ने मगरमच्छ को फंसा कर खुद की जान बचा ली। मगरमच्छ उसी गड्ढे में घायल होकर मर गया। प्रेग्नेंट एलिफेंट एंड हंग्री लायन। शेर जंगल का राजा अपनी न्याय प्रणाली के लिए मशहूर था। वो शिकार भी तब करता था जब उसे भूख लगती हो। मजे के लिए शिकार करना उसकी आदत नहीं थी, पर कुछ दिन से वो बीमार था, इसलिए ना तो शिकार कर पाता था ना ठीक से खा पाता था। भूख के कारण उसका कमजोर शरीर और कमजोर होता जा रहा था। अब उसे कोई बड़ा शिकार खाकर अपनी भूख मिटाने की इच्छा थी। क्या करूं, किसे खाऊं? खरगोश हिरन जैसे छोटे जानवरों से मेरा पेट भरने से रहा। मुझे कोई बड़ा जानवर चाहिए, गाय या हाथी, बस इसी से काम चल पाएगा। अब किसी अकेले हाथी को ढूंढना पड़ेगा, पूरे झुंड से तो लड़ नहीं पाऊंगा। मैं खुद भी अभी थोड़ा कमजोर हूँ। शेर तालाब किनारे जाकर छुप कर बैठ गया, जिससे हर आने जाने वाले जानवर पर अच्छे से नजर जाए। काफी इंतजार करने के बाद उसे एक हथनी दिखी जो सीधे तालाब में घुस गई। काफी देर तक वो तालाब के पानी में डुबकी लगाती रही, फिर ढेर सारा पानी पीकर जैसे ही वो बाहर निकली, शेर ने उसका रास्ता रोक लिया। आज तो तुम्हें मेरे पेट के अंदर जाना पड़ेगा। वैसे तुम अपनी झुंड से दूर कैसे हो गई? तुम बिना झुंड तो कहीं नहीं जाती। महाराज मुझे जाने दो, मुझ पर दया करो, मैं इस हालत में आपसे लड़ नहीं सकती। इस हालत में यानी क्या हुआ तुम्हें? मुझे तुम अच्छी भली लग रही हो, बहाने बनाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें खाकर ही दम लूंगा। शेर ने हथनी पर छलांग लगा दी कि तभी हथनी जोर जोर से चिल्लाने लगी और जमीन पर लोटपोट होने लगी। शेर को लगा, अरे मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं और ये पहले ही चिल्लाने लगी, ये कैसे हो गया? जब उसने गौर से देखा तो पता चला कि हथनी माँ बनने वाली थी और शायद यही समय था जब उसका बच्चा बाहर आने वाला था। मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारी हालत का अंदाजा नहीं था। मुझे और मेरे बच्चे को मत खाइए महाराज। शेर को हथनी की हालत पर तरस आ गया। उसका दर्द से चिल्लाना उसे देखा नहीं जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मदद वो कैसे करे। उसने सोचा और तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा। शेर की दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। जैसे तैसे उसने हथनी के झुंड को ढूंढ ही लिया, पर झुंड में खड़े हाथी शेर को देखकर गुस्सा हो गए। उन्हें लगा कि वो उनका शिकार करने आया है। सारे के सारे एक साथ होकर गुस्से में आगे बढ़ने लगे। रुको, मेरी बात सुनो, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो बस ये बताने आया हूँ कि तुम में से एक हथनी तालाब के पास एक बच्चे को जन्म देने वाली है, उसे शायद तुम लोगों की मदद की जरूरत है। हमने उसे झुंड से बाहर निकाल दिया है, अब वो हम में से एक नहीं। उसे उसकी हालत पर छोड़ दो और तुम भी यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम यहाँ जिंदा नहीं बचोगे। शेर को हाथी की बात का बुरा लगा। वो उन लोगों के गुस्से के आगे कुछ भी नहीं कर पाया और तुरंत फिर से हथनी की ओर निकल पड़ा। शेर जैसे ही तालाब के पास पहुंचा, उसने देखा कि हथनी ने तालाब में पानी में ही एक नन्हे से प्यारे हाथी को जन्म दिया था और वो वहीं पर बेहोश पड़ी थी। शेर ने हथनी को होश में लाने की बहुत कोशिश की, उसके बच्चे का ध्यान रखा। इन सब में शेर अपनी भूख तक भूल चुका था। तभी अचानक हथनी को होश आया। महाराज आप अभी भी यहाँ हैं और मैं जिंदा हूँ, कहीं आपने मेरे बच्चे को तो नहीं खा लिया? शांत हो जाओ हथनी, तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों सही सलामत है। मैं अपनी भूख मिटाने के लिए किसी मासूम की जान नहीं लेता, मैं तो बस तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहा था। अब मैं चला दूसरी जगह अपने लिए शिकार खोजने। हालांकि शेर की बातों पर हथनी को विश्वास नहीं हुआ, पर फिर जब उसने अपने बच्चे को सही सलामत देखा, उसने भगवान और शेर का शुक्रिया अदा किया।
शेर ने अच्छाई और भलाई का प्रदर्शन करते हुए हथनी और उससे बच्चे की जान बचाई थी। और फिर वो निकल पड़ा अपना दूसरा शिकार ढूंढने। हथनी ने भी भविष्य में शेर की मदद कर उसका शुक्रिया अदा करने की ठान ली। कुछ समय बाद ऐसा मौका मिला कि एक दिन वो ऐसे ही अपने बच्चों के साथ जंगल में घूम रही थी कि तब उसने देखा शेर की दहाड़ वो उस तरफ बढ़ी। उसने देखा शेर के पैर में एक लोहे का जाल फंसा हुआ था और वो दर्द से चिल्ला रहा था। रुकिए महाराज, मैं आपकी मदद करूंगी, मैं आपको बाहर निकालती हूँ। तुम तो वही हथनी हो ना जिसे कुछ दिन पहले मैं मिला था। हथनी पूरी ताकत से उस जाल को तोड़ देती है और शेर को आजाद कर देती है। आखिरकार शेर को उसकी भलाई का इनाम मिल जाता है। जाल से आजाद होते ही वो तुरंत वहां से दूर चला जाता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।